हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय देव में जय उत्तराखंड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत, सुबह के खूबसूरत घाम के साथ, और पीछे का मौसम देख सकते हैं, बहुत बढ़िया खिलखिलाती धूप आई हुई है। तो आज है लास्ट श्राद्ध, तो लास्ट श्राद्ध में हम जाने वाले हैं दड़वानी यानी कि मौसी के घर। तो सुबह हम रेडी हो चुके हैं, तो आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। धूप आज बहुत तेज है, सीधे आंखों में लग रही है, जिसकी वजह से पूजा पहाड़ी की आंखें चिंग चांग जैसी हो जाती हैं। और आजकल पहाड़ में बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, और सोच का टाइम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा कि वीडियो बनाने का। तो अभी तो कोई घर पे सुबह का कोई खाना बना रहा है, कोई नाश्ता बना रहा, कोई झाड़ू पोछा। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, और हमें जाना है आज ऊपर टॉप धार में, दड़मानी में। तो आज हम आपको फिर से दड़मानी की सैर कराएंगे। बने रहे ब्लॉग से, और साथ में आनंद लेते रहेगा। और गाइज, आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो लोग हमारे ब्लॉग में, हमारे शॉर्ट्स में कमेंट करते हैं नए नए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मेरा गूगल एडसेंस आया, और मैंने ब्लॉग भी बनाया, उसमें बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट और बहुत अच्छी कमेंट किए थे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आगे को भी बनाए रखेगा, ताकि आने वाले भविष्य में मैं अपने गांव सुंदरखाल का नाम रोशन कर सकूं। तो बने रहे ब्लॉग से, और साथ में आनंद लेते रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। आज का दिन आप सभी का अच्छा जाए, और मेरा भी यानी कि पूजा पहाड़ी का भी। दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं मनाघेर दड़माने में। तो सबसे पहले आप सामने देखिए, कितने बढ़िया पहाड़ी सीढ़ीदार खेत हैं। तो यहाँ पर बस इसी बात का अफसोस है कि यहाँ पर लोगों ने पूरी जमीन को बंजर करके रखा है, पूरा घास ही जमा हुआ है। बहुत पहले जमाने में यहाँ पर लोग खेती किया करते होंगे, पर अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से हाल हो रखा है, जो पूरा जमीन का एरिया है पूरा बंजर पड़ा हुआ है। और नीचे को रोड आ गई है, जो कि धानाजुली बैंड को होते हुए जाती है। तो यहाँ से सामने भी हमारा ही गांव है, तो इधर साइड ये आ गया है आपके मनाघेर, तो यहाँ पर सुंदर नगर भी बोला जाता है। तो इधर साइड आ गया है हमारे गाँव का ये सलान का जंगल, तो इधर साइड ये हमारा ही गांव है सुंदरखाल, जो कि बहुत ही प्यारा गांव है। गाइस, कभी आप भी आइए और यहां की खूबसूरती और सुकून का आनंद लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं गाइस, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया है। तो दोस्तों, हमने इतने खतरनाक झाड़ियों से अंदर को जाना है, तो आपको कहीं पर रास्ता दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी यहाँ से मैं घुस के कैसे जाती हूँ आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं कितनी खतरनाक की झाड़ी है, क्योंकि हम कुछ अलग ही रास्ते से आगे थे, तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जो रास्ता है वो आम रास्ता आ जाएगा। दादा भाई आगे से चली है, दादा चुप, यार दगड़े यार सुने, पहाड़ में हिटन में ऐसा होने खाली दादा भी शाम को था, दादा का तो खतरनाक एक्टिंग करी आप पत्नी नहीं की बार जनवर। तो दोस्तों, यहाँ से मौसी लोगों के घर को जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ पर गाय बच्चियाँ अंदर घुस ना जाए करके पहाड़ के लोगों ने यहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बढ़िया तरीके से गेट बनवाया गया है। तो यहाँ से अंदर को झुक के हमें जाना पड़ेगा। है कि डरी? हाँ अमां भवन बनाने। तो दोस्तों, जब भी मैं दड़माने आती हूँ ना, तो मुझे ये घर इतना मस्त लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है ये पहाड़ी घर। तो जब मैं भी अपने पैरों में खड़ी हो जाऊंगी, तो मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक पहाड़ी घर बनाऊंगी, जो सामने इस प्रकार का घर, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दगड़ियों, तो अभी हम दड़माने में पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे है आमा का घर, तो अभी आमा भी आ रही है न्योते में, अपनी बहू को खाना देके आ रही है। तो अभी हम आपको अलग ही किस्म की राजमा दिखाएंगे, जिसके जो दाने होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उसको पहाड़ी भाषा में ढबरू सिमी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार की हैं उसकी फलियाँ, देख सकते हैं, जो पूरा ये इसमें एक ही पौधा होगा, पर ये पूरा बेल फैला हुआ है। और अम्मा ने यहाँ पे बढ़िया तरीके से लहसुन भी बो रखा है, और इधर साइड बंद गोभी को फूल देख सकते हैं। और ठीक इसी के बगल साइड पर देख सकते हैं ये पहाड़ी मटर, जिनको लकड़ी का सहारा दिया गया है। तो पूरा खेत ये मटर के पौधों से भरा हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इधर साइड भी देख सकते हैं ये पूरे राजमा की बेल हैं। तो ये, और ये है पहाड़ी चू, जिसके शिवरात्रि के टाइम पर लड्डू बना के खाया करते हैं। तो इनके अंदर भी छोटे छोटे दाने होते हैं,
और अभी हमने यहाँ से जाना है आगे को, तो सामने है मासी का घर यहाँ पे। दगड़ियों अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ी बकरे और पहाड़ी बकरियाँ। तो यहाँ पर इसको पहाड़ी भाषा में हलवान बोलते हैं, जैसे कि तो मस्त रखा पी के एकदम पम्प हो रखा है। तो अभी इसी घर में होने जा रहा है श्राद्ध, तो आज लास्ट श्राद्ध है, तो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या बन रहा है पकवान। तो यहाँ पे हमारे भू बला स्वास्थ्य में सब बढ़िया ओहो दगड़ियों, तो यहाँ पे हमारा पंकज भाई और किरण बहन आटा गूंथ रहे हैं, तो बाहर पे बन गए पूरियां। कैसे हैं आप सब लोग? सही है, मस्त एकदम बढ़िया। दोस्तों ये है हमारी मासी, तो आज इन्हीं के घर पे है श्राद्ध, इनकी ससुर जी का। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हूँ। तो ये है हमारी दीदी, यानी कि जो हमारे मौसा जी हैं उनकी बड़ी बहन है, शायरा छोटी छोटी बहन है। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। तो ये है इनका बेटा। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी अक्सर पहाड़ में कुछ कामकाज होता है तो बाहर पर पहाड़ी चूल्हा बनाया जाता है, तो अभी यहाँ पर पहाड़ी खान पान तैयार हो रहा है, तो सभी शायद खाना बन चुका है। तो ये हमारे दादा बताएंगे कि आज खाने में क्या क्या बना है। क्या क्या बन रहा है आज खनिन में? खनिन में तुमर, तो गाइस ये है पहाड़ी टपकी, ये है दाल। दाल काहे की बनी है? ये है राजमा और चीके बना दिया, बोल के दिखा उनको। राजमा चना है क्या? है लोबिया चना मिक्स दाल। तो इतने बड़े भगोने में सबके लिए भोजन बनता है, तो इसमें क्या बनने के जा रहा है? इसमें क्या बना रहा है? चावल। अच्छा आहा। तो दगड़ियों पहाड़ में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, किसी बाहर वाले की भी जरूरत नहीं होती है। और दगड़ियों ये है हमारे मौसा जी का घर, तो सभी यहाँ पर बुबुलो आए हैं श्राद्ध में निमंत्रण मानने के लिए। और दगड़ियों यह देख सकते हैं इतनी हमारे बुबो और भैर है, आपस में कतुक प्यार है। तुम सबो कुछ बार ठीक छा? क्या ठाट बाट है तुम सबो? और क्या बुद्धन करन छा चाल? हाँ गोभी चल रहे मुँह चल रही। और तुमको ये जवान जब हल्ला को फुपाली जवान बुबू जवान सब भाल में यो और भलो रहा। आप जो अखिल पे देखिन ना वही टाइम बोल बो, जो दिन आ गया वही दिन अच्छा है। आप जो देखिन ना वही बोल बो, जवान हम देखियो करने बो और जवान वही के भल बो, तो मतलब आय लग में पजोग जवान ठीक छे। ओ तुम्हारे स्वास्थ्य पान सब बढ़िया छे? ठीक छे, नथे नहीं है ठाट बाट की हो रे तुम्हारे? ठाट बाट की नहीं, सामान्य ठाट बाट छे। अच्छा क्या बुद्धन करना चाचा? बुद्धन आजकल कोई और सराग नहीं होते बने रहो। नाम की हो तुम्हारे? शुभ नाम क्या हो? नाम मेरा नाम सर जमन सिंह बिष्टो। अच्छा एक बात बतवाने, तुमको ये आवक जबान जब हल्ला को या पली जबान, क्या विचार से तुम्हारे आवक जबान में और पली जबान में? विचार जबान विकास के लिए जबान ठीक से हाँ। विकास हो रहा और जरा सा जो कन में संकोच जो भाव विचार आदमी में कुछ द्वार टाइप आ गई पहली वो जो चीज बहुत मतलब शीशा टाइप आ गया जिसके यो समय लोग नहीं थे समय विकास के लिए बहुत बड़ा नहीं था पहली जबान में तो तू फैसिलिटी नहीं भय जो तू आप ऐसे तो भाई नहीं बहुत लोग भाई लोग ये तो पहेशु कतू नंदिन से तुम्हार नंदिन भगवान कर कर मेरे ये भाव से जी नेच बिवा अरे बिवा ला हले सात दिन से वे भगवान के रूप में बुजुर्गों को ने प्रतावे सब ब्याह हो बची चैन सब ठीक हो रहा। उन्होंने अपन चेली चला ब्याह हले ना नदी पंजाती तक से आदर ने बहुत बड़ी और तो लगा हम लोग बराबर जंगल में थे जंगल बड़ी पहाड़ लोग थे लगा धुरा भी जन ना रहा तुम धुरा भी पटेल लोग थे बहुत लोग थे लगा लोग थे राधे 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 दगड़ियों खाने की तैयारी हो चुकी है, तो पहाड़ में कुछ इस तरीके से खाना खाते हैं बैठ के सभी लोग मिलजुल के। और ये दड़माने का छोटा टोन देख सकते हैं, सभी को खाना दे रहा है यानी कि पहाड़ी लगड़। अच्छा
तो दगड़ियों, ये हैं हमारे जीजा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और ये हमारे दादा हैं, आप कैसे हैं? ओके। खाना खा लिया? नहीं, अभी नहीं आ रखा है। वो नहीं आ रही, शीतल नहीं आ रही? अरे घर में कोई मेहमान आए ना। अच्छा, तबीयत खराब हो रही है। अरे कैसी है अम्मा की तबीयत? हाँ तो जाते घर में, अभी जाएंगे। अभी मुझे अभी पता चला कि अम्मा की तबीयत थोड़ा गिर गई था ना घास काटने में, टांके लगे हैं। चलो फिर खाना खा लीजिए। राधे राधे। राधे राधे राधे। दगड़ियों, जब भी मेहमान पहले आते हैं तो उनको चाय पानी पिलाया जाता है। और ये हमारे दरवाने की अम्मा लोग हैं। अम्मा स्वास्थ्य में सब बढ़िया? अच्छा, क्या बुद्धा लग रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर दूसरे पहाड़ी चूल्हे में बन रही है पहाड़ी रोटी, जो कि हमारे पंकज भाई और दीदी और किरण बना रही हैं। तो ये है हमारे मौसा जी और ये है हमारी मौसी, जो कि एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं। और सरार निपटेगा ठाट बाट, स्वास्थ्य में सब बढ़िया? तो गाइज, इनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करते क्योंकि आज इन्हीं के पास सरार है, तो अपने काम में व्यस्त हैं। तो ठीक है, बाय बाय। ये हमारे भाई जी ले जा रहे हैं दाल। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो गाइस, दूसरे वाले मेहमान भी आ गए हैं, यानी कि अमा लोग। स्वास्थ्यवान सब बढ़िया है रे? अमा लोग बढ़िया। ब्याह 2027 में। ओ बोली नहोन। और ये हमारी मासी है, बहुत दूर से आई है बना से, पटा लग गया बलिनू के। क्या हाल चाल हो रहा अपन? अच्छा, आज हमारा हेड़ा पे दो हर दिन कब हो जाने तुम्हारे? ब्रो जाने लग गए क्या? अभी आ रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। अच्छा गाइस, सभी लोग खाना खाने लग गए हैं। ये है पता नहीं तीसरी होले थे चौथे होले थे पता नहीं है। और ये हमारी बहन आ गई है इसी बीच। अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक मैं अपने घर में थी। अच्छा, मतलब जिस तक खंड का टाइम है तब अच्छा घर में। गाइज, मासी जी जाने लग गया है, पता नहीं इसमें क्या क्या भर के ले जा रही है। यही होना करना को। बाय बाय बे, भली कर दे। हाँ ओ है, ओहो दगड़ियों, तो यहाँ पे महिला मंडल बना रही है स्पेशली पहाड़ी पूड़ियाँ। तो आप लोगों ने खाना खा लिया? हाल चाल सब मस्त? तो पहाड़ में देख सकते हैं अक्सर सभी लोग, जेठानी देवरानी दीदी बहनी सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। दगड़ियों, सभी लोगों ने अमा लोगों ने खाना खा लिया है। अब इनकी यहाँ पर फसक चल रही है, वजह को तेल का तू घाटा था। यश पे फसक चले पहाड़ी छेड़िया। और सबका स्वास्थ्य में सब बढ़िया? भल हुर्चा तंदुरुस्त भोरे कॉफी घाम जस्ता पड़ना। और अमा तुम्हारे स्वास्थ्य में सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। यारा माँ को कटी शिमी के खाई जा रहे हैं। अरे शिमी का, गोभी का। प्रकाश दादी इच्छा तुम्हारा? हाँ
किला हो सब मात भरे तुम इतनी जस की भैर से घाम तातन छा जाड़ हो और क्यों रे तुम्हारा ठाट बाट कत घास हो कहा इतने लूट लगा लो नैने तुम और तुमको ये जबान जब हल्ला को पली जबान हाँ तुगे यो थोड़ा और बुजुर्ग थे ना इनको पली जबान भल लागो अमा तुम्हारा नाम क्या हुआ अच्छा खान पीन खा लो नैल पे और सुनो आप की ठाट बाट है तुम्हें की ठाट बाट है ना क्या नोहरा मात बाग आके उस करना होई को पया रो रो सरा सरा दियो मुझे लास्ट से अच्छा है ना आछो अच्छा वो से या पूर्ण हमरा से अरे फिर खत्म हो जाने क्या ही नहीं घपाता सुकुनी दगड़ियों ये है मासी लोगों का घर तो आजकल इन्होंने तोता कलर का पेंट किया हुआ है तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है तो अब यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर बर्तनों को खसकाने का काम कर रहे हैं दगड़ियों श्राद्ध का कार्य संपन्न हो चुका है तो सभी लोगों ने अपना उजार भी भर लिया है तो उजार भर के सभी लोगों ने गप्पे भी मार लिए हैं तो अब पहाड़ में सभी लोग मिलजुल कर भाड़ धोते हैं तो सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर बर्तनों को घसका रहे हैं पानी कम है पहाड़ में डरवाने में पानी की कमी है तो तुम लोग एक काम करो ना हमारे नीचे को आ जाओ बसने के लिए हाँ अच्छा चलो पानी कमी हो रहा क्या कमी है वही हमारा पानी छलर बलर भे पे बात छ यो जुनाली बेल लाग दगड़ियों यहाँ पर प्रकाश दादा दोबारा सूजी बनाने लग गए हैं और वहाँ पर निक्की क्या कर रही है गोभी को खतर है शायद पकौड़ी बनाने का प्लान है और हमारे सबसे लास्ट न्यूतार अभी आ रहे हैं अभी तक कहाँ थे आप अभी से हम अपनी दुकान में अच्छा बिक्री हुई है आज थोड़ी बहुत हुई है चलो अच्छा है कैसा हो रहा खाना बढ़िया हो रहा बहुत ही स्पाइसी दाम होता मर्च हो रहा है मुझे ना लगे और यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं आप लोगों की कॉपी कहाँ है आप लोगों की बुक कहाँ है आप कितने पढ़ते हो आपका नाम क्या है मायरा माही मायरा मायरा बिस्ट कितने पढ़ते हैं आप और आपका नाम यशार बिस्ट आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो फर्स्ट और ये आपका नाम क्या है मनोज बिस्ट कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप वो शर्मा जना लड़ाई मत करो यार गाइस ये भी खत्म कर रहे हैं छोड़ो यार है अंदर नहीं आ रहे मेरा खत्म करके ओके अच्छी आ गई मेरे का भी अंदर है धान धान तुम इसको अपलोड कब करोगे फिर शाम को कल बढ़िया होना यार
तो यहाँ पर हमारे प्रकाश दादा पकौड़ी की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गीतांजलि किट्टू। तो ये ले रहे हैं अभी पहाड़ी चाय का आनंद ले रही हैं। गैस पानी है वो। अच्छा पानी, सॉरी मिस्टेक हो गया। पहाड़ के धड़माने लोग ऐसे सारे ऐसे। पकौड़ी हमारी पहली पकौड़ी तल के आ गई है। भाई हमारी भाभी पहले आ गई है मांगने के लिए। यहाँ बेसन इतना नूना नहीं और यहाँ लोग इतने बड़े आ गए हैं नूना। तो गाय जो तो लगी लगी है वहाँ पे। यह गुबाला वीडियो बनने आ रहे हैं। गुबाला वीडियो बन बहुत नाइंसाफी कर दिया आपने। बच बच आ रहे हैं। चाय इतनी काली बना रखी है, दूध कम था शायद, पानी ज्यादा डाल दिया। अब ऐसा ही पीना पड़ेगा यार भाई, क्या करे। ये हमने घर से कटोरी लेके आई है, देख लो। जन बड़ के छा यही हुआ यार आज। घबात का तो काटा तुम्हें घाटन से तुम्हारे हिटा भाई बिल्कुल। ओके गाइस बाय बाय। पता नहीं आपकी शादी में गाइस शादी का बहुत ही टाइम है अभी। सबसे पहले पूजा पहाड़ी की भाई क्या अभी इतने लंबे लंबे हैं। ये जितने भी आपको ये खूबसूरत चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये सारे डड़माने के डॉन हैं, इनको खाली मत समझना आप। बाय बाय। ओ अमो किले क्या हुआ खुट में? अरे यार चप्पल टूट जिनी को ये पीड़ करनी को तो दगड़ियो आम मेरा रत बयान तो पैंट हैंड बेड चली भाई। अब उनु के पत्तो को या खड़ाइन से ये हील वाश हैंडल को हजम न करन। अब हमार चीज गप्पो गप्पो जुआ थालो न तो क्या होना न हुन को यो हम बगो थोड़ा ना पत्ते भते बेनी मा यो सुनी भगो बे मेर बहन का भाई मेर मौसी भे को जिले भे दो मगो भल न लागवा किले न लाको होइ छ का भल लागो तू भुड़ गे क्या अपन घर घाटन से को मिला है कावे अपन घाटन से को छोड़ता तू को तेरा रुपया लोन पड़ेगी बोल होई को पा मां तुम्हारी दीन से को तब मन होने तेरा कैमरा में किले कि तेरा रुपया लोन पड़ेगी तू थोई ना मगे दिन की तू दिउ रे आरा मां कतो सेनी बतवा घर लगन सापन चलिन दिसक छी कतो लाख बतवा लाख 3 लाख।